हाय बच्चों, मेरा नाम राज पांडे। वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का जो है सैन्य इतिहास। क्या देखेंगे बच्चों? बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का जो है सैन्य इतिहास। सैन्य इतिहास देखेंगे बच्चों, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया आप लोग का? सैन्य इतिहास। पिछले वीडियो में बच्चों हमने एक से लेके 85 तक क्वेश्चन यहाँ तक करा चुके हैं। वो वीडियो आप लोग के लिए कंपलसरी है देखना, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो एग्जाम नज़दीक है कि इसके पर्पज से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हुए बच्चों आप लोग के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अदर फ्रेंड्स आपके जो हैं वो भी देख लें और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है बच्चों। तो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम लोग का भी मोटिवेशन होगा, ताकि आप लोग के लिए अच्छे वीडियो, अच्छे टिप्स और अच्छे सटीक आप लोग के लिए लेके क्वेश्चन हम लोग आए और तैयार करें, ठीक है, नोट्स, ठीक है बच्चों। एक बात और, इसका पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वहाँ से आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। तो सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए 85% 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 85% क्वेश्चन जो है इसी से आप लोग के आएंगे, गारंटी, ठीक है। तो आप लोग इसके पर्पज से देख के और प्रिपरेशन कीजिए और तैयारी कीजिए। बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए वीडियो को और अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए, ठीक है बच्चों। एक बार बस देखने की ज़रूरत है, आप सीन कर लें वीडियो को और बस बैठ जाएं उतना समय निकाल के, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन में बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखिए ऑप्शन मारिए, एक बार देखिए, उसके बाद तो वो लर्न हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में आप जो है वहाँ से लिख सकते हैं और दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन करके और फिर अच्छे से वीडियो बना के उसका डाल लूँगा, ठीक है। तो कोई डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डाउटफुल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर करा चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते बच्चों। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैन्य इतिहास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, भारत की स्वाधीन सरकार ने प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की थी? स्वाधीन सरकार जो थी, स्वाधीनता हम लोग प्राप्त कर लिए थे, स्वाधीनता हम लोग प्राप्त जब कर लिए थे बच्चों, तो ये कह रहा है कि प्रादेशिक सेना की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, यही पूछ रहा है ना बच्चों। तो देखेंगे हम लोग कि प्रादेशिक सेना की स्थापना हम लोग कब किए थे। 1950 में किए थे कि 1948 में कि 1962 में कि 1971 में? तो ये होगा बच्चों 1948 में हम लोग जो है प्रादेशिक सेना की स्थापना कर चुके थे, 1948 में किए थे। अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी सबकी स्थापना अलग अलग हुई है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबकी स्थापना जो है अलग अलग हुई है, चाहे वो CISF हो, ठीक है, वो BSF हो या CRPF हो या NCC हो या NSG हो या SPG हो, ठीक है। तो इस सब में सुधार कर करके सबकी स्थापना, चाहे ITBP हो, SSB हो, सबकी स्थापना अलग अलग है, डेट वाइज है, उसको हम लोग धीरे धीरे लर्न करेंगे और उसको देखेंगे। उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि नेशनल कैडेट कोर NCC की देखते हैं, इंटर में कराया जाता है बच्चों को NCC, ताकि
प्ले वगैरह में जो है आगे चल के खेलकूद में उन लोग को मार्कशीट मिलते हैं, उनमें 10% 5% आरक्षण मिलते हैं, उसके थ्रू हम लोग खेल से रिलेटेड उसमें आरक्षण से बहाल हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है एनसीसी होती है, नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब की गई थी, यही तो पूछ रहा कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो ये थी 1950 में बच्चों, कि 1962 में, कि 1948 में, कि 1984 में, कोई बता सकते हैं, बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1948 में, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर बच्चों, 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का गठन कब किया, मतलब कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन पूछ रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का गठन कब किया गया था, ठीक है बच्चों। तो यहां दिया है 1964 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकंड 1971 है, थर्ड 1969 है, और डी 1962 है। तो ये जो हुआ था बच्चों कब हुआ था, कोई बताएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ हो जाएगा 62 में नहीं हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को जो है BSF का स्थापना हुआ था, इसको 65 में चेंज कर लेंगे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 62 दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, तो 65 कर लेंगे, 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, ठीक, इसकी स्थापना की गई थी। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, 1948, ठीक, लर्न हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बच्चों कब स्थापना की गई थी, 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। अब वायुसेना को 5 कमानों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है, वायुसेना को 5 कमानों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है, कौन है, पूर्वी कमान सेना, पर्वतीय वायु कमान सेना, पश्चिमी वायु कमान सेना, कि मेंटेनेंस कमांजन कौन होगा, कोई बताएंगे। 88 नंबर का बच्चों ये हो जाएगा पश्चिमी वायु कमान सेना जो है, यही एक कमान सेना में विभाजित किया गया है, 5 कमानों में से यही एक कमान है, पश्चिमी वायु कमान सेना, क्या है, पश्चिमी वायु कमान सेना, इसमें विभाजित किया गया है वायु सेना को, क्लियर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान देते रहिए और वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। 89 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो कह रहा है कि पैदल सेना की प्रमुख विशेषता क्या है, क्या पैदल सेना की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, कि वो कौन सी विशेषता है पैदल सेना की, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट ये जो ऑप्शन देखते हैं, प्रहार की क्षमता बढ़ाना, सहयोग का दृष्टिकोण बनाना, गतिशीलता को बढ़ावा देना, समय अनुसार कार्य करना, तो ये पैदल सेना की प्रमुख विशेषता हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गतिशीलता को बढ़ावा देना, गतिशीलता को पैदल सेना क्या करती थी, बढ़ावा देती थी, उसको आगे बढ़ाती थी पैदल सेना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, यहाँ जो है पैदल सेना की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, तो वो होगा गतिशीलता को बढ़ावा देना, ये प्रहार क्षमता सहयोग समय अनुसार ये नहीं होगा, गतिशीलता को बढ़ावा देती थी वो, ठीक है। 90 देखिए, तोपखाने की प्रमुख विशेषता क्या है, वो विशेषता क्या है, मौसम का पता लगाना, शत्रु को संकट में डालना, दूर तक मार करना, क्षतिपूर्ति का ध्यान रखना, बताइए। तो ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कि दूर तक मार करना, तोप से गोले बरसाए जाते हैं, फिट किए मारे कुछ डिस्टेंस तक जो है वो कवर कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो दूर तक मार करने की जो क्षमता होता था वो किस में होती थी, तोप खाने में, शत्रु को दूर तक मार करता था, ठीक है।
91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत की सामुद्रिक सेना का है? भारत की सामुद्रिक सेना का तत्व कौन सा है? शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति की रचना, जल थल व नभ सेनाओं में सहयोग, जनता की भलाई करना, विदेशी व्यापार करना। बताइए वह कौन सा तत्व है जो भारत की सामुद्रिक सेना का है, कौन सा है, कोई बताएंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों 91 नंबर का ए नंबर, शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति की रचना करता है। क्या करता है? शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति की रचना जो करता है उसे हम बोलते हैं सामुद्रिक सेना का तत्व, वही है शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति की रचना। लर्न हो जाना चाहिए जिस टाइप से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक वर्ड को कितना बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये देखिए 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का मूलभूत सिद्धांत है? कौन सा संगठन का मूलभूत सिद्धांत है? ये देखिए यहाँ उद्देश्य, फिर स्वरूप, फिर कार्यवाहक अंग, फिर नीति निर्धारक अंग। तो संगठन का मूलभूत सिद्धांत क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों कार्यवाहक अंग जो है ये संगठन का मूलभूत सिद्धांत दर्शाता है। क्या? कार्यवाहक अंग। आगे की ओर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा ना? चलिए देखिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैन्य संगठन में कौन सा अंग कार्यवाहक है? सैन्य संगठन में कौन सा अंग कार्यवाहक है? सैन्य दल संगठन, मुख्यालय, प्रशासनिक संगठन, नियंत्रण जन्य संगठन। बताइए, तो ये हो जाएगा बच्चों 93 नंबर का क्या हो जाएगा, नियंत्रण जन्य संगठन जो है क्या है, सैन्य संगठन का अंग कार्यवाहक है। अंग कार्यवाहक क्या है? नियंत्रण जन्य सैन्य संगठन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 94 नंबर बच्चों, सेना प्रतिरक्षा मंत्रिमंडल समिति में प्रधानमंत्री क्या होता है? ठीक है, सदस्य होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंडलाधिकारी होता है, कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। बताइए, कोई बता सकते हैं? तो 94 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? सेना प्रतिरक्षा मंत्रिमंडल समिति में प्रधानमंत्री क्या होता है? उपाध्यक्ष की उपाधि उसे विभूषित रहती है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षा समिति में परामर्शदाता कौन होता है? परामर्शदाता पूछ रहा है बच्चों कि कौन होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा सचिव, प्रतिरक्षा वित्त सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार, थल सेना अध्यक्ष। तो प्रतिरक्षा में परामर्शदात्री कौन होता है बच्चों? वो होता है प्रतिरक्षा सचिव। कौन होता है? प्रतिरक्षा सचिव, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि प्रतिरक्षा मंत्री की समिति का सदस्य कौन होता है? प्रतिरक्षा मंत्री की समिति का सदस्य ए नंबर है प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक परामर्शदाता और प्रतिरक्षा मंत्रालय का सचिव और प्रतिरक्षा उपमंत्री। तो प्रतिरक्षा मंत्री का समिति का सदस्य जो होता है बच्चों वो होता है प्रतिरक्षा मंत्रालय का सचिव। क्या होता है? प्रतिरक्षा मंत्रालय का जो सचिव होता है बच्चों वो होता है प्रतिरक्षा मंत्री समिति का सदस्य होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों। निम्नलिखित में जो है एक विभाग प्रतिरक्षा मंत्रालय का है, कौन सा वह विभाग जो है प्रतिरक्षा मंत्रालय का है, यही तो पूछ रहा है। तो पेंशन विभाग, सशस्त्र सेना का कार्यालय, विदेशी भाषा विभाग, ऐतिहासिक विभाग। बताइए प्रतिरक्षा मंत्रालय का कौन सा विभाग है, कोई बता सकते हैं? कुछ टाइम देते हैं हम आपको, सोच के बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों सशस्त्र सेना का
कार्यालय जो है वो प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक विभाग माना जाता है। कौन? सशस्त्र सेना का कार्यालय। ठीक है बच्चों, क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करके बनाएंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, थल सेना में ब्रिगेडियर के पद के समान वायु सेना में क्या पद होता है? सभी के समान, एक दूसरे के समान पद होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि थल सेना में जो ब्रिगेडियर का पद होता है उसी के समान वायु सेना में वो कौन सा पद मैच करता है? टैली, कौन सा वो पद टैली करता है? यही तो है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, पायलट ऑफिसर। तो ये हो जाएगा बच्चों, एयर कोमोडोर जो है वो क्या करता है, थल सेना में ब्रिगेडियर के पद का वायु सेना में उसके समान पद है, उसके समुच्च, उसके सानिध्य, निकट, एयर कोमोडोर, ब्रिगेडियर के निकट। थल सेना में जो ब्रिगेडियर का पद होता है वही वायु सेना में एयर कोमोडोर का पद होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। भारतीय सैन्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारी सैन्य जो संगठनात्मक रूप है उसका उद्देश्य पूछ रहा है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ, समुद्री सेना को निर्देश देना, गति संचालन का संकेत देना, युद्ध के समय कार्यवाही करना, सेना को दिशा निर्देश देना। सेना संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई बताएंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों, गति संचालन का संकेत देना। भारतीय सैन्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गति संचालन को संकेत देना। ठीक, क्लियर? अब देखिए यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध जो हुआ था बच्चों वो पूछ रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, दोनों एक ही मैच कर दिया है, 1536 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बच्चों 1526 ईस्वी में। इसमें जो है बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। इसी से मुगल सेना की क्या हुई, नींव पड़ी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था बच्चों, और मुगल सेना की नींव इसी युद्ध से पड़ी, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल सेना ने अपना आधिपत्य जमा लिया भारत के ऊपर। तो इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया, और बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। और मुगल साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया, मुगल का स्थापना हो गया। ठीक है बच्चों, मुगल का स्थापना जो है यही युद्ध से हुआ, पानीपत के मैदान में जो है ये युद्ध हुआ था, और ये क्या था, प्रथम युद्ध था। इसी से मुगल सेना की क्या पड़ी, नींव पड़ी, और बाबर क्या हुआ, विजयी हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 101, अब देखते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 101 जो क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी की सेना में घुड़सवारी की संख्या थी, घुड़सवार कितने थे? ठीक है, यही तो क्वेश्चन कर रहा है, लगभग 6 लाख 60 हजार, ठीक, सॉरी, लगभग 40 हजार, लगभग 90 हजार, लगभग 72 हजार। बताइए घुड़सवार जो थे बच्चों वो कितने थे इब्राहिम लोदी की सेना में? तो वो थे बच्चों 40 हजार के बीच घुड़सवार थे। कितने थे, 40 हजार घुड़सवारी इब्राहिम लोदी की सेना में हुआ करते थे उस समय। ठीक, क्लियर? आगे की ओर देखिए, 102, बाबर ने युद्ध के समय सेना में किस बाजू को शक्तिशाली बनाया, कौन सा बाजू था जिसको शक्तिशाली बना के और युद्ध पर विजय प्राप्त किया वो बाबर, और मुगल सेना की नींव रखा?
दाया बाजू, बाया बाजू, पीछे का बाजू, अग्रिम पंक्ति, कोई जानते हैं बताइए? कोई जानते हैं तो बताइए। तो 102 का हो जाएगा बच्चों सी नंबर। पीछे के बाजू को क्या रखा वो? मजबूती से, मजबूती शक्तिशाली बनाए रखा पीछे के बाजू को। क्लियर? इसी तरह 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 103, बाबर ने अपनी सेना को सबल बनाने के लिए क्या कार्य किया? सबल मतलब मजबूत। सबल का मतलब क्या होता है? मजबूत बनाने के लिए क्या कार्य किया? भारतीय युद्ध कला से शिक्षा ग्रहण की, गश्ती दल को प्राथमिकता दी, पेट्रोलिंग पार्टी को, कि गुप्तचर व्यवस्था को सबल बनाया, कि उपयुक्त तीनों कार्य किए, बताइए। तो बाबर ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था? पढ़े हैं तो बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों, गुप्तचर व्यवस्था को वो सबल बनाया, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूती से पकड़ा और गुप्तचर व्यवस्था को सबल बनाया वो। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था को सबल बनाया। 104 नंबर देखते हैं। सम्राट के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। सम्राट के अधीन जो है सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो अधिकारी कहलाता था। मीर बख्शी, मनसबदार, बख्शी उल मुमालिक, दरोगा ए फौज। सम्राट के अधीन जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? तो वो बोलते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, ये सबसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सबसे बड़े मनसबदार के नेतृत्व में कितने सैनिक होते थे? सबसे बड़े जो मनसबदार होते थे उसके अंतर्गत कितने सैनिक होते थे? 15,000, 10,000, 19,000, 20,000। सबसे बड़े जो मनसबदार थे उसके अंतर्गत कितने सैनिक होते थे? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो ये होते थे बच्चों 10,000। कितने? 10,000 के नेतृत्व में सैनिक होते थे। अब देखिए यहाँ 106 नंबर क्वेश्चन। मनसबदारों को पारिश्रमिक किस रूप में दिया जाता था? जो पारिश्रमिक मेहनताना दिया जाता था वह किस रूप में दिया जाता था? क्वेश्चन समझ गए? देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। जागीर के रूप में, नगद वेतन के रूप में, अनाज तथा वस्त्र के रूप में, भूमि के रूप में, बताइए। पढ़े हैं तो बताइए। 106 नंबर का हो जाएगा बच्चों। जागीर के रूप में जो है मनसबदारों को पारिश्रमिक दिया जाता था, मेहनताना जो है उनको कैसे दिया जाता था? जागीर के रूप में, जमीन जो है जागीरदारी करके और रख दी जाती थी, दे दी जाती थी, उसी रूप में उनको मेहनताना दिया जाता था। ठीक है, उसी रूप में पारिश्रमिक उनको मनसबदारों को दिया जाता था। मनसबदार रखते थे राजा लोग, एक मनसबदार के अंतर्गत कितने सैनिक होते थे उस अंतर्गत करके, और मनसबदारी प्रणाली चलाई हुई थी, अकबर मनसबदारी प्रणाली चलाया हुआ। ठीक है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, मनसबदारों के पारिश्रमिक किस रूप में दिया जाता था? किस रूप में? जागीर के रूप में। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। मुगल सेना का मुख्य हथियार पूछ रहा है क्या था? तीर कमान, बंदूक, तलवार, तोप, बताइए। मुगल सेना का मुख्य हथियार जो हुआ करता था बच्चों वो हुआ करता था क्या? तलवार। तलवार ही तो उस समय फेमस थे, राजपूत भी तलवार चलाना जानते थे, तलवार और भाले, उससे युद्ध लड़ा करते थे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है उसका डिस्कशन कराया हुआ है आप लोग को। ठीक है, डिस्कस उस पर मैं किया हुआ हूँ। तो राजपूत जो है तलवार और भाले रखा करते थे, मुगल सेना में तलवार प्रचलित थी उस समय, तलवार से, और तोप भी मुगल सेना यूज किए थे, तोप खाने का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इस तरह वो युद्ध जीते थे। ठीक है, आगे देखिए 108 नंबर। यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो, यह मत है किसका? मेजर श्यामलाल, कैप्टन वीएन मालीवार, लिटिल हार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, कोई बताएंगे? बताइए।
ये जो है बच्चों, यदि तुम शांति चाहते हो ठीक, तो युद्ध को समझो। अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ना, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है, 6 मंथ से ऊपर हो गया, ठीक है, फरवरी से ही स्टार्ट है। तो ये जो बोला था युद्ध को समझो, तुम शांति चाहते हो, तो लिडिल हर्ट ये कथन क्या है, यह मत किसका था, लिडिल हर्ट का। क्लियर बच्चों? आगे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 109 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि मुगलों की सैन्य पद्धति का इतिहास मुख्य रूप से किस प्रथा का इतिहास है। मुगलों की सैन्य पद्धति का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से किस प्रथा का इतिहास है। सामंती प्रथा का है, कि जागीरदार प्रथा का है, कि मनसबदारी प्रथा का है, कि राजशाही प्रथा का है, बताइए। मुगलों की सैन्य पद्धति का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से किस प्रथा का इतिहास है, किस प्रथा का बताएंगे कोई इतिहास रहा है। मुगलों की सैन्य पद्धति का इतिहास मुख्य रूप से किस प्रथा का इतिहास रहा है, तो ये रहा है बच्चों, किसका रहा है, मनसबदारी प्रणाली का। मनसबदारी मुगलों की इतिहास की मुख्य रूप से यह प्रथा चली आई है। क्लियर? अब देखिए यहाँ अकबर भी मनसबदारी में बहुत फेमस था, मनसबदारी प्रणाली चलाया था अकबर, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली चलाई गई थी, ठीक। अब देखिए यहाँ शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध कौन सी युद्ध कला अपनाई, कौन सी युद्ध कला अपनाई मुगलों के विरुद्ध जब युद्ध लड़ रहे थे शिवाजी मराठा साम्राज्य के तरफ से, ठीक, मराठा साम्राज्य के तरफ से जो है मुगलों के समक्ष जो है शिवाजी युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी वो प्रणाली अपनाए थे मुगलों के विरुद्ध युद्ध में, तो वो देखते हैं यहाँ। घेरेबंदी की युद्ध कला, सामने से आक्रमण की युद्ध करना, पार्श्व आक्रमण की युद्ध करना, छापमार युद्ध कला। तो सभी जानते हैं कि मराठा छापमार युद्ध में कुशल थे। छापमार युद्ध क्या होता है बच्चों, कोई समझ रहे हैं? छापमार, छापमार युद्ध वह होता है बच्चों, जैसे कि छापमार वह युद्ध होता है जब सेना अटैक करती थी, दुश्मन अटैक करते थे मराठों पर, तो छापमार युद्ध इस टाइप से अपना था, पहाड़ी में छिप जाते थे। अब जब दुश्मन शांत बैठ जाता था तो उससे अटैक, सडनली अटैक करते थे, अचानक अटैक करके और उसको परास्त करके फिर छिप जाते थे, फिर खोजते रहो किधर गया। फिर जब सो जाते थे या लेजी हो जाते थे या सैडी मूड में रहते थे तो वो जो है फिर युद्ध करते थे, फिर उनको परास्त करते थे, ऐसे कर करके होपलेस करके और युद्ध पर विजयी पा जाते थे वो लोग, मराठा लोग, ठीक है बच्चों। तो यही नाम दिया गया छापमार युद्ध का, मराठा जो है क्या थे, मराठा छापमार युद्ध में कुशल थे और इस प्रकार वो युद्ध विजयी होते थे, युद्ध जीत भी जाते थे छापमार युद्ध की कला से। तो बहुत ही मुगलों के विरुद्ध जो है छापमार युद्ध की नीति अपनाए शिवाजी। आगे देखिए, देखिए यहाँ शिवाजी से कौन से राज्यों से चौथ वसूल करते थे, वह कौन सा राज्य था जिससे शिवाजी क्या करते थे, चौथ वसूला करते थे, यही पूछ रहा है ना। कमजोर राज्यों से, सामान्य राज्यों के राज्यों से, मुसलमान राजा के राज्यों से और अमीर क्षेत्र के राजाओं से, बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों 111 का, कमजोर राज्यों से जो है शिवाजी चौथ वसूला करते थे, राज्यों से चौथ वसूला करते थे, कमजोर राज्यों से जो है वो क्या करते थे, अपने से जो कमजोर राज्य हैं उनसे बलपूर्वक जो है क्या करते थे, शिवाजी चौथ वसूल करते थे, क्या करते थे, चौथ वसूला करते थे। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, ध्यान दीजिए 112 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह कब हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह पूछ रहा है, कब हुआ था ये, यही है ना, 1947 में, 1857 में, 1860 में, 1956 में। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो सैनिक विद्रोह हुआ था बच्चों, 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खां, बहादुर शाह जफर बरेली से, ठीक है, और
अवध से शाह आलम, और कहाँ से? बिहार से वीर कुंवर सिंह। इस तरह जो है कानपुर से नाना साहब धुंधुपंत, मेरठ से कौन था? इसी तरह बहुत सारे लोग 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, और 1857 की क्रांति एक तरह से कहें तो असफल ही साबित हुई, क्योंकि उसमें कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा नहीं था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति में ये सब सेना नायक भाग लिए हुए थे, क्रांतिकारी। ठीक है, तो यही पहला बोल रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह जो हुआ वो 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, थोड़ी थोड़ी जानकारी बताते चल रहे हैं आप लोग को, क्योंकि जानकारी लेना जो है जरूरी है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आए रिलेटेड तो आप लोग इसको समझ सकें और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो आप लोग के लिए। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, यहाँ देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की कौन सी सत्ता के विरुद्ध हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश शासन, फ्रांसीसी सत्ता, अफगानियों के विरुद्ध। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये जो है 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी, इसी के विरुद्ध हम लोग युद्ध लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति जो हुई थी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई थी। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे देखिए, खानवा का युद्ध संग्राम कब हुआ था? 1526, 1536, 1527, 1600। तो 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ, और 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अभी मैंने बताया था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 26, खानवा का युद्ध 1527। अभी हम बताएंगे आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जो है क्या है 115 नंबर, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौन से नेतृत्व करता थे? अब देखिए यहाँ 116, 15 नंबर। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। 115 नंबर क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कौन से राजाओं के बीच हुआ? ठीक, सिकंदर व पुरु के बीच, बाबर व राणा सांगा के बीच, मोहम्मद गजनवी व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध पूछ रहा है, ईस्वी। वैसे तो भारत पाकिस्तान युद्ध बच्चों देखिए यहाँ 1947 और 48 में भी हुए थे। ठीक, फिर 1965 में हुए, फिर 1971 में हुए, फिर 1999 में हुए। अभी तक कितने युद्ध हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4। चार युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हुए हैं, चारों युद्ध में पाकिस्तान क्या हुआ है? हार का मुंह देखना पड़ा है, उसे पराजित हुआ है। ठीक है, तो हर युद्ध के पीछे कुछ उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम बताए हुए हैं आप लोग को, वीडियो में बनाए हुए हैं, उसका वीडियो दिखाए हुए हैं, और वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए तो बोलते हैं पीछे का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, पीछे का वीडियो देखिएगा, क्लियर रहेगा, आगे के क्वेश्चन फटाफट समझ में आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउटफुल नहीं होगा। पीछे का वीडियो देखे रहिएगा तभी, पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीछे की वीडियो देखने कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। ठीक है, तो पीछे का वीडियो देखिए और तब ये वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएंगे आप लोग। तो ये जो है भारत पाकिस्तान युद्ध पूछ रहा है किस वर्ष हुए थे, 56 में, 65 में, 62 में, 70 में। तो 62 में जो हुए थे बच्चों वो भारत चाइना युद्ध हुए थे, भारत चीन युद्ध हुए थे। ठीक, और 65 में जो युद्ध हुए थे वो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्लियर,
इंडिया पाकिस्तान के बीच 65 का युद्ध हुआ था, ठीक है। 71 में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे जिसमें भारत विजयी रहा था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार कौन थे उधर से जो है अलग कोई थे, पाकिस्तान के पीएम वो थे जुल्फिकार भुट्टो ही थे शायद पीएम उस समय। तो 99 में नवाज शरीफ थे पीएम पाकिस्तान के, अटल बिहारी वाजपेयी इधर से थे भारत से पीएम थे। कारगिल का युद्ध जिसे बोला जाता है, कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठा हुआ था उसके अंतर्गत युद्ध लड़ा। तो ये इसका हो जाएगा बी नंबर बच्चों कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुए थे 65 में हुए थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन हम लोग का बढ़े, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।